एक नोटा वोट की क्या कीमत है? दोस्तों, नोटा के वोट ने पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटवा दिया था। नोटा के वोट ने रशिया में कम्युनिस्ट की सरकार गिरवा दी। आइए बात करते हैं दोस्तों नोटा के बारे में। इंडिया में पहली बार 2013 की स्टेट इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा ऑप्शन को चूज किया था। तब इंडिया 14th कंट्री बन गया था नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करने वाली। ग्रीस, स्पेन, कोलंबिया में इसे व्हाइट वोट कहा जाता है, अर्जेंटीना में इसे ब्लैंक वोट कहा जाता है, यूक्रेन में इसे अगेंस्ट ऑल कहा जाता है, इंडिया में इसे नोटा कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत सी कंट्रीज में यूज होता है अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीकों से। जैसे कि अर्जेंटीना में आप बैलेट पे किसी के नाम पे कुछ नहीं लिखोगे, एक ब्लैंक बैलेट डाल दोगे, तो इसे ब्लैंक वोट कहा जा रहा है यहाँ पर। नॉर्वे की इलेक्शन रेगुलेशंस में ये मैंडेटरी है कि हर वोटर को एक ब्लैंक बैलेट देना। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जिनमें नोटा का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि सर्बिया हो गई, लेकिन वहां पे लोग थोड़े क्रिएटिव हो गए। वहां पर लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी ही बना लेंगे जिसका नाम होगा नन ऑफ द अबव पार्टी। तो ये नन ऑफ द अबव पार्टी दोस्तों इलेक्शंस में लड़ी और 2012 की सर्बियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इस नन ऑफ द अबव पार्टी ने एक सीट भी जीत ली। 22,000 वोट्स मिले थे इसे। इंडोनेशिया में एक शहर है मकासार। दोस्तों 2018 में शहर में मेयर की इलेक्शंस हो रही थी जिसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा था। दूसरा ऑप्शन था वोटर्स के पास नोटा दबाना, और दोस्तों नोटा को ज्यादा वोट्स मिले और उस कैंडिडेट को डिफीट कर दिया 53% to 47%। तो अब फिर से वहां पर अब री इलेक्शंस होंगी देखकर। दुनिया भर में ऐसी कहानी मौजूद है दोस्तों, जिनमें से सबसे दिलचस्प कहानियां पोलैंड और रशिया की हैं। 1989 में पोलैंड की कम्युनिस्ट की सरकार थी। उस सरकार ने इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी इस तरह से कि काफी जगह सीट्स पर कोई ऑपोजिंग कैंडिडेट ही नहीं खड़ा था, लेकिन वहां के लोग इस कम्युनिस्ट सरकार को बहुत हेट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस कैंडिडेट को वोट करने की जगह उसका नाम काट के इन्होंने वोट बैलेट बॉक्स में डाल दिया, और उसकी वजह से इन्हें री इलेक्शंस करानी पड़ी और एक और बारी री इलेक्शंस करानी पड़ी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हार गया वहां पर। ये एक रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से कम्युनिस्ट रेजिम गिर गया पोलैंड में। 1991 में सोवियत यूनियन में भी यही कहानी हुई। 200 से ज्यादा सीट्स पर नए इलेक्शंस कराने पड़े नए कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स को नोटा ने हरा दिया था। हारने वाले कैंडिडेट्स में से 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स कम्युनिस्ट थे। 1992 में जब सोवियत यूनियन गिरा और नया रशिया बना, तो उस नए रशिया के पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने फेमसली कहा है, नोटा हेल्प्ड कन्विंस द पीपल दैट दे हैड रियल पावर इवन इन अ रिग्ड इलेक्शन एंड इट प्लेड अ रोल इन बिल्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कहो आयरॉनिकली 2006 में रशिया ने नोटा को ऑप्शन ही हटा दिया। किसी भी देश में नोटा का सिग्निफिकेंस एक ही है कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स खड़े हैं इलेक्शंस के लिए, हम उनमें से किसी को भी नहीं चुनना चाहते। अगर नोटा को मेजॉरिटी मिलती है तो आइडियली ये होना चाहिए कि सारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स को डिसमिस कर दिया जाए और एक री इलेक्शंस करवाई जाए। लेकिन हमारे देश में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है नोटा का। यहाँ पर हमारे देश में अगर नोटा को मेजॉरिटी मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं देता कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स को डिसमिस कर दिया जाएगा या री इलेक्शंस करवाई जाएंगी। तो नोटा सिर्फ एक नेगेटिव फीडबैक देने का तरीका हो गया, जनता की बात पॉलिटिशियंस तक पहुंचाने का तरीका हो गया कि हम आप में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उन पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप हमारे मुद्दे उठाइए, हमारी बात सुनिए, तब हम आपको वोट देंगे। तो पॉलिटिशियंस के लिए नोटा एक तरह से एक वोट बैंक क्रिएट हो गया। जो नोटा के लोग चाहते हैं पॉलिटिशियंस उसके पास आना चाहेंगे, नोटा के लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे अपने उनके लिए वोट करने के लिए। तो ये एक रीजन था अभी तक नोटा के लिए वोट देने का। लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र और हरियाणा में आपको एक और रीजन मिल गया है नोटा के लिए वोट देने का। November 6, 2018 को महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया कि अगर नोटा को मेजॉरिटी मिल जाती है तो री इलेक्शंस करवाए जाएंगे। 22 नवंबर को हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी यही ऑर्डर पास किया। इसका रीजन शायद यह हो सकता है कि कुछ महीने पहले हुई महाराष्ट्र में पंचायत इलेक्शंस में काफी ऐसी सीटें थी जहां पे नोटा को मेजॉरिटी मिली थी। स्पेसिफिकली पुणे में एक गांव था जहां पे नोटा को 85% वोट्स मिले थे। दोस्तों मुझे लगता है कि यही ऑर्डर अगर नेशन वाइड पास कर दिया जाए, यही लॉ इस तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो नोटा बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाएगा और एक्चुअली में लोग कन्विंस होंगे नोटा को वोट देने के लिए। लेकिन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत कहते हैं कि हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है नोटा को पास कराने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर नहीं है।
वो कहते हैं कि स्टेट असेंबलीज को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि नोटा को अगर मेजोरिटी मिले तो एक री इलेक्शन करवाई जाए। एचएस ब्रह्मा जो कि एक और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर 10-15% वोट भी नोटा को मिलते हैं तो हमें री इलेक्शन करवानी चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों इसे और भी इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ री इलेक्शन ही नहीं बल्कि ये भी लॉ पास कर देना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उनको डिसमिस कर देना चाहिए और सिर्फ नए कैंडिडेट्स ही री इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। नोटा वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है हमारे देश में ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता है। 2014 की जनरल इलेक्शन में नोटा वोट्स थे 1.1% पर। एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली की स्टडी ने बताया था कि 2013 से लेकर 2016 के बीच में जो नोटा वोटिंग करी गई थी सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ नोटा वोटिंग दिखी थी ट्राइबल एरियाज में, स्पेसिफिकली उन सीटों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को वोट करने से पीछे हट रहे थे, उनको वोट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए नोटा को वोट दिया गया था यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है हम लोगों के अंदर जो कि नोटा वोटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। 2017 की गुजरात इलेक्शंस में 20 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनमें विनिंग मार्जिन विनर के बीच में और सेकेंड प्लेस के बीच में नोटा वोट से कम था। जैसे कि गोधरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3050 वोट्स मिले थे नोटा को, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट वहां से जीता था सिर्फ 258 वोट्स के साथ, जिससे दिखता है दोस्तों कि नोटा वोट इलेक्शन रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका वोट डिजर्व नहीं करता है तो आप नोटा को वोट दीजिए, क्योंकि आपके एक नोटा वोट से यहां पे विनिंग मार्जिन चेंज हो सकता है, एक पॉलिटिशियन कन्विंस हो सकता है अपनी कोई और पॉलिसी लाने में, एक पॉलिटिशियन कन्विंस हो सकता है कोई और डिसीजन लेने में, नोटा वोटर्स को कन्विंस करने में, आपकी सुनने में। यहां पर नोटा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब ब्रूट इंडिया के चैनल को यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।